नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा एक स्टॉक के बारे में जो कि आज खबरों में है और शेयर में अराउंड आपके लिए 7% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट 8% ऊपर है। 650 रुपए के भाव पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। इस शेयर की बात करें स्टॉक का नाम है तानला प्लेटफॉर्म लिमिटेड। शेयर की बात करें तो यहां पे आज के सेशन में एक फ्रेश खबर आते हुए दिख रही है जिसकी वजह से आपको ये तेजी मिल रही है। क्या यहां खरीदना चाहिए या फिर स्टॉक में निकल जाना एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि स्टॉक में बीच बीच में ना खबर आती रहती है और उस दिन ये स्टॉक 10-15% भागता है और फिर अगले दिन से वही दोबारा नीचे और फ्लैट टू नेगेटिव हो जाता है। लॉन्ग टर्म का व्यू देखें तो स्टॉक में कुछ ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस है नहीं, बट हाँ इतना जरूर है कि लोगों के बीच में काफी ज्यादा एक्टिव रहता है क्योंकि वॉलिटिलिटी इस स्टॉक में बनी रहती है। एक साल की बात करूं तो ऑलमोस्ट 60% से पैसे का नुकसान हुआ है, 2 साल की बात करें तो थोड़ा कम हुआ है, 16% है। वहीं अगर मैं इसको थोड़ा लंबा देखूं तो फिर इसने बहुत बड़ा पैसा भी बना के दिया है, मल्टी बैगर हो गया था। इनफैक्ट ये स्टॉक 2-4 रुपए वाला शेयर आपके लिए 2000 रुपए तक चला गया था। टाटा ग्रुप से लेकर सबने बड़े बड़े निवेश करे थे, लेकिन आज की डेट में 650 रुपए पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। सबसे पहले आज जो खबर आई है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आपको मैं बताऊं लगभग 12 करोड़ ऐसे मामले हैं जो साल के मतलब एक साल के अंदर अंदर फ्रॉड के रूप में मतलब फ्रॉड के केस दर्ज कराते हैं, ऐसे मामले हैं। अब ये किस तरीके के फ्रॉड हैं? ये फ्रॉड है लाइक साइबर क्राइम के से रिलेटेड, किसी का क्रेडिट कार्ड है उसमें से पैसे निकल जाना, बैंक से अपने आप पैसे डेबिट हो जाना, कोई आपको मैसेज के द्वारा पैसे मंगा लेता है। तो इस तरीके के जो फ्रॉड होते हैं, ये फ्रॉड केस रजिस्टर जो होते हैं एक साल के अंदर, वो ऑलमोस्ट सिमिलर 12 करोड़ के समथिंग होते हैं। और अगर अमाउंट की बात करें तो 1 से 1.5 लाख करोड़ का अमाउंट लोगों के फ्रॉड के रूप में कहीं ना कहीं चला जाता है लोगों के पास से। तो इसी को रोकने के लिए, इसको एक भाषा एक टर्म में कहा जाता है फिशिंग, इसको कहीं ना कहीं काबू में करने के लिए एक ऐप लॉन्च करने जा रही है कंपनी जिसका नाम है एंटी फिशिंग। और ये ऐप लॉन्च अभी भारत में तो नहीं हो रही है, बट 27th को ये ऐप लॉन्च होगी आपकी। इसी के चलते ये स्टॉक आपका आज के सेशन में बढ़िया परफॉर्मेंस देता हुआ दिख रहा है। ये एक खबर थी जिसपे अब कोई भी कंपनी कुछ लॉन्च करती है तो वही एक पॉजिटिव मूड माहौल दिखता है। ये तो फिर भी एक बड़ा लेवल पे ऐप लॉन्च है, कोई ऑटो कंपनी गाड़ी या बाइक लॉन्च करती है तो वो उसके उस दिन स्टॉक ऊपर चला जाता है। तो बस वही चीज देखने को मिल रही है। मुझे लगता है यहाँ पे इसमें कोई भी ज्यादा उत्सुकता या फिर सीरियसली कोई बाय करने का मौका ढूंढने वाली बात नहीं है, तो जिसके पास है वो डेफिनेटली इस स्टॉक में अपने हिसाब से होल्ड कर सकते हैं या फिर एग्जिट ले सकते हैं उछाल पे। प्रॉफिट तो मुझे लग नहीं रहा किसी का हो रहा होगा। कंटिन्यू स्टॉक 3 महीने देखें, 6 महीने देखें, 1 साल देखें, लोअर लोस का चार्ट पे फॉर्मेशन कंटिन्यू बन रहा है। जो भी लो होता है उसको ब्रेक करके फ्रेश लो लगाता है और जो प्रीवियस हाई होता है उसको ब्रेक कर नहीं रहा है स्टॉक। जब तक आपके लिए 790 बहुत ऊपर की बात कर रहा हूं, जब तक 790 ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं इस स्टॉक को लेकर कुछ ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूं। और मुझे लगता है स्टॉक में हर एक उछाल एक बिकवाली का मौका है, तो अवॉइड की राय दूंगा मैं इस स्टॉक को। एंड इस उछाल में अगर कोई हल्की पोजिशन करना चाहता है या फिर थोड़ा और गेंस दे दे अराउंड आपके लिए 700 रुपीज तक तो बहुत अच्छा हो जाएगा। निकलने के मौके ढूंढे, कुछ ज्यादा खास दिख नहीं रहा है। ऑलमोस्ट एक साल में जैसे कि मैंने आपको बताया कंटिन्यू बड़ी गिरावट आई है, ऐसा नहीं वन साइडेड गिरा, बीच बीच में इस तरीके के काफी उछाल आए हैं। लाइक स्टॉक गिरते गिरते आपके लिए अराउंड मई 2020 में 1100-1200 रुपए पे आया, उसके बाद स्टॉक में सीरियस 1400 रुपए तक के आइस लगे, फिर प्रीवियस जो 1100 रुपए का लो था उसको ब्रेक करके स्टॉक ने 1000 रुपए का लो लगाया एंड उसके बाद आपने देखा वन साइडेड ही गिरा ऑलमोस्ट। तो इस स्टॉक में जो उछाल आ रहे हैं वो बिकवाली यूज हो रही है और मेरे हिसाब से आपको भी कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। इस स्टॉक की बात करें तो वॉल्यूम्स बस करते हुए दिख रहे हैं, एवरेज वॉल्यूम 1 लाख के, जिसके सामने आज 23.5 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। और ये इस स्टॉक की कहानी है, बीच बीच में खबरें आती हैं कभी गेमिंग से रिलेटेड कभी किसी चीज से, तो ये स्टॉक बाउंस बैक कर देता है, काफी बड़ा उछाल मारता है एक दिन में 14-15% और फिर वही धीरे 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 नीचे जाने लगता है। इस शेयर की बात करूं तो एक साल में 61% के नेगेटिव रिटर्न है, 6 महीने में 13%, 3 महीने में 14%, 1 महीने में 10%, लेकिन 1 वीक में लगभग 4% के पॉजिटिव रिटर्न हो गए हैं क्योंकि आज स्टॉक काफी बढ़िया मूव देता हुआ दिख रहा है। अगर इसके फाइनेंशियल्स की तरफ एक बार नजर डालें एंड इसके कंपनी के थोड़ा फंडामेंटल्स छोटे मोटे देखने की कोशिश करें तो वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं कि कैसा दिख रहा है स्टॉक। तो एक बार यहां पे हम चेक कर लेते हैं, मैं स्क्रीन की मदद से आपके साथ शेयर कर देता हूं कि कैसा दिखता है स्टॉक। लेट यहां पे जी हाँ, तो एक्चुअली अभी ओपन ही नहीं हो रही है एप्लीकेशन, मैं 1 सेकेंड का समय लूंगा जी। तो तानला प्लेटफॉर्म मैंने स्टॉक ओपन कर लिया है। तो स्टॉक की बात करें अराउंड 8700 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का,
48% का रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छा है, 58 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी बहुत ही शानदार है। इस कंपनी के बारे में बात करें पीयर कंपैरिजन तो ये स्टॉक आपका 18 के पीई पे मिल रहा है आपको, इंडस्ट्री का पीई लगभग 25 का है तो ये भी अच्छा है। रिजल्ट्स की बात करें तो लगभग 110 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 117 करोड़ पे आया था ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर देखें तो 58 करोड़ से घटकर 117 करोड़ का था। अर्निंग पर शेयर 8.58 का था इस सिंगल क्वार्टर में, टीटीएम बेसिस पे देखें तो 34 के अर्निंग पर शेयर पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अगर इसको 34 340 एंड आपका 340 प्लस 680 रुपए बन जाता है एक तरीके से, अगर 20 के पीवी मिलते हैं तो और स्टॉक अभी 650 पे, तो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड है, कोई ज्यादा ऐसा नहीं दिखता है। अर्निंग पर शेयर ग्रो किस हिसाब से हो रहा है ये भी एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं हम। लास्ट ईयर इनफैक्ट देखा जाए 2022 में तो 40 का अर्निंग पर शेयर था, अभी 35 का तो थोड़ा घटा है, लेकिन 2021 में केवल 26 का था, तो ठीक है कंपाउंडेड में पैसा बन रहा है, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है अभी आपको चार्ट्स पे जब तक पॉजिटिव ना हो तब तक नहीं लेना चाहिए। तो रिवर्सल पे संकेत आएंगे तब सोचेंगे खरीदने की, अभी मुझे लगता है अवॉइड करना एक बेटर ऑप्शन रहेगा। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।